22,757 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या इस समय 4,88,911 है। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत इस समय 94.18% है, 94.18%। संक्रमित लोगों में से कुल 7,480 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,43,461 सैंपल्स की जांच की गई और त्योहारों के समय जो हमने देखा था कि सैंपल के टेस्टिंग की संख्या में थोड़ी सी कमी आ गई थी वो अब मेकअप हो गई है। कल हम 1,43,461 सैंपल पर पहुंच गए और अब इसके पश्चात बहुत शीघ्र हम 1.5 लाख को फिर से हम क्रॉस कर लेंगे। सैंपलिंग हमारे जो संक्रमण को नियंत्रित करने की जो स्ट्रैटेजी है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सैंपलिंग और टेस्टिंग, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो हम संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित रखते हैं, उसी प्रकार से सैंपलिंग और टेस्टिंग भी एक बहुत बड़ा हमारा तरीका है संक्रमण को नियंत्रित रखने का। और इसीलिए प्रदेश हमेशा 1.5 लाख से या उससे भी ज़्यादा टेस्टिंग प्रतिदिन करने के लक्ष्य को मेंटेन किए हुए हैं। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर के 1,74,74,973 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और आरटीपीसीआर के सैंपल्स के लिए कल जिलों से प्रयोगशालाओं को 63,000 से ज्यादा सैंपल्स भेजे गए। जो हमारे कुल एक्टिव केसेस हैं 22,757, इनमें से 10,381 इस समय होम आइसोलेशन में है और अब तक 2,95,770 लोगों ने संक्रमण के पश्चात होम आइसोलेशन के विकल्प को चुना है और उनमें से 2,85,389 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। अगर आप लक्षण विहीन हैं और आपको संक्रमण आता है और आपके घर में ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने परिवारी जनों से, परिवार के सदस्यों से बिल्कुल अलग रह सकते हैं, अलग कमरा आपके पास, अलग शौचालय है, तो होम आइसोलेशन भी एक आपके लिए उपयुक्त विकल्प है। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार के लक्षण आते हैं, अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उपयुक्त यही है कि आप अस्पताल जाएं। कोविड अस्पताल पूरे प्रदेश में मौजूद हैं और 1.5 लाख से अधिक निशुल्क बेड प्रदेश में उपलब्ध हैं। तो उपयुक्त यह होगा कि आप अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं तो अस्पताल जाकर के वहां चिकित्सकों की देखरेख में अपना इलाज करवाएं। और अगर आपके घर में, अगर आप मान लीजिए बुजुर्ग नहीं भी हैं, अगर आप पहले से बीमार नहीं भी हैं, लेकिन घर में आपके ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप सभी लोगों से बिल्कुल अलग रह सकें, तो भी अस्पताल जाकर के आइसोलेट होना अच्छा है ताकि आपके जो घर के सदस्य हैं, आपके परिवारी जन हैं, वो किसी भी प्रकार से संक्रमित न हो। जब आप होम आइसोलेशन में होते हैं तो हमारी टीम आपसे निरंतर संपर्क में रहती है और आपका हालचाल पूछती रहती है। उस समय आपको अपने, विशेष करके जो आपका शरीर का तापमान है और जो आपके शरीर के ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल है उसको हर समय मेजर करते रहना चाहिए। हर 6 घंटे में एक बार कर लें। आपका, अगर आपको फीवर नहीं है और आपका ऑक्सीजन का लेवल 95% से नीचे नहीं आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन का लेवल नीचे आता है तो तत्काल
अस्पताल जाना चाहिए और चिकित्सकों की सलाह प्राप्त करनी चाहिए, वहां वो आपको ऑक्सीजन लगाएंगे जिससे कि आपके ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। जो लोग, चूंकि आप जानते हैं कि ये बीमारी जो है ये फेफड़े पर वार करती है, तो जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके लिए ये बीमारी बहुत ज्यादा कष्टकारक है। तो जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको चाहिए कि वो यथासंभव इस आदत को इस समय छोड़े रखें, कम से कम धूम्रपान करें, न करें तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। निजी चिकित्सालयों में इस समय 2147 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। कल ई संजीवनी पोर्टल पर घर बैठे 1768 लोगों ने चिकित्सकों की राय प्राप्त की और अब तक ई संजीवनी पोर्टल पर 2,17,598 लोग डॉक्टरों की राय घर बैठे प्राप्त कर चुके हैं। जिन लोगों ने ई संजीवनी से पोर्टल का उपयोग किया है और चिकित्सकों की सलाह घर बैठे प्राप्त की है वो अत्यंत समझदार और बुद्धिमान लोग हैं। और जब घर बैठे आपको ये सुविधा उपलब्ध है तो आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अभी जो समय है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि कई जगह बहुत ज्यादा संक्रमण हो रहा है, यूरोप के कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ गया है जहां इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और उसी प्रकार हमारे बगल में जो प्रांत स्थित है दिल्ली, उसमें इतने अधिक केसेस आ रहे हैं कि वहां के हेल्थ सिस्टम के लिए भी एक चैलेंज खड़ा हो गया है। तो वैसी स्थिति हमारे प्रदेश में न आए और हम संक्रमण को बिल्कुल नियंत्रित रखें, इसके लिए आवश्यक है कि जो जब तक आवश्यक नहीं हो अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। जिनको आवश्यक है, आपको दफ्तर जाना है, बाजार जाना है, बहुत आवश्यक है तो अलग बात है, अगर आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर न निकलिए। दूसरी बात यह कि जो इससे बचने के तरीके हैं वो बहुत ही कारगर तरीके हैं, उनका उपयोग करिए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बरकरार रखिए। ये आप लोगों ने प्रदेश में ऐसा किया है, बड़ी भारी संख्या में लोगों ने ऐसा इसका पालन किया है और यही कारण है कि इतने बड़े प्रदेश में अभी भी हम जो पॉजिटिविटी का लेवल है उसको हम 5% से कम पर बरकरार रख सकें, मेंटेन कर सकें। अगर आप इन सावधानियों को बरतते रहेंगे, घर से अनावश्यक नहीं निकलेंगे, तो प्रदेश में जो हर जगह लोग चिंतित हैं सेकेंड वेव के बारे में, वो वैसी स्थिति नहीं बनेगी और वो हमारी आपकी समझदारी से ही ये संभव है कि हम सेकेंड वेव को अपने प्रदेश में न आने दें। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,59,378 इलाकों में 4,57,168 टीम दिवस के माध्यम से प्रदेश के 2,89,75,957 घरों का सर्वेलेंस किया गया है और इसमें रहने वाले लोगों की संख्या 14,19,21,797 है। तो सर्वेलेंस का काम बहुत ही व्यापक स्तर पर निरंतर किया जा रहा है और कोविड के साथ साथ जो नॉन कोविड केयर है उस पर भी हमारा ध्यान निरंतर बना हुआ है। जितने भी अस्पताल हैं सब में ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है और जब हमने कंपेयर किया 1 अक्टूबर से 18 नवंबर 2019 में, पिछले वर्ष सरकारी अस्पतालों में जो मेजर सर्जरीज हुई थी उनकी संख्या 32,046 थी और उसी अवधि में इस वर्ष अब यह संख्या 30,557 है। इसका मतलब कि जो सरकारी अस्पताल हैं वो भी अब पिछले वर्ष के लेवल पर ही कार्य कर रहे हैं। एक जो बार बार मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं वो ये कि अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पहले से बीमार व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनको संक्रमण से बचाइए। आज ये जो आंकड़े हम बार बार आपके सामने लाते हैं, आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के संक्रमित होने का प्रतिशत कुल में से
10% को पार कर गया है, 10.02% उनमें संक्रमण पाया गया। जो लोग कुल संक्रमित हुए हैं उनमें से 60 साल से अधिक आयु के लोग 10.02% हैं। और अगर आप देखेंगे तो जैसे 10% का बर्डन है इन्फेक्शन में से, लेकिन जो लोग जिनकी मृत्यु हुई उसमें से लगभग 45% व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र के हैं, अर्थात उनमें जटिलताएं ज्यादा आती हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों को संक्रमण से बचाइए, पहले से बीमार व्यक्तियों को संक्रमण से बचाइए और गर्भवती महिलाओं को बचाइए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। इसके लिए तुलसी दल, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा पीजिए, इसके लिए नीम की पत्तियों का सेवन कीजिए, इसके लिए अदरक का अजवाइन का अर्क पीजिए, इसके लिए गिलोय का रस पीजिए, गर्म पानी का सेवन करिए। और जब आप बाहर से लौट कर आते हैं कार्यालय से, बाजार आदि से, तो गर्म पानी में नमक डालकर उससे गरारा कीजिए। इन सब चीजों से फायदा होगा। अगर कोई भी शंका हो, समस्या हो, उलझन हो, तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-181-45 पर फोन करिए। तनाव मुक्त रहिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जैसा मेरे साथी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में संक्रमण नियंत्रण में है, कुछ कम हो रहा है। पड़ोसी राज्य दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से उसका प्रभाव सीमावर्ती जो हमारे जनपद हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ में देखने में आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा दिल्ली से आने जाने वालों के इस रैंडम भी चेकिंग कराई जा रही है और उसमें जो संक्रमण वाले लोग हैं वो मिल भी रहे हैं। तो इन क्षेत्रों को छोड़ के बाकी सभी क्षेत्रों में लगभग लगभग संक्रमण पे नियंत्रण है। जैसा आपने बताया, हम सबको विशेषकर ये त्योहार का मौसम है, ऐसे में विशेषकर सावधानी बरतनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज अपील जारी की है कि छठ का त्योहार है, अभी चल रहा है, छठ का त्योहार मनाएं, लेकिन प्रयास करें कि आप घर पर ही रहकर मना सकते हैं, लेकिन बाहर जाएं भी तो समस्त सावधानियां रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी रखें, समुचित सामाजिक दूरी रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं भी दी हैं और जैसा कहा यही अनुरोध किया है कि सावधानियां बरतते हुए आप ये त्यौहार मनाएं। विशेषकर हमारे बुजुर्ग हैं और छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखें और ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूर्व से ही सांस की कोई बीमारी है अथवा कोई ऐसी अन्य बीमारियां हैं उन्हें संक्रमण से बचा कर रखें, ये सभी सावधानियां बरतते रहें। प्रदेश में हॉटस्पॉट में 50 हॉटस्पॉट की कमी आई है, कंटेनमेंट के क्षेत्र भी कम हो रहे हैं, प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं, सभी औद्योगिक इकाइयां अब कार्यरत हैं, औपचारिक सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इकाइयां हैं उनमें लगभग 50 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। आत्मनिर्भर पैकेज में जो पूर्व से प्रचलित जो चल रही थी इकाइयां उनको कार्यशील पूंजी और अन्य दिक्कतों का सामना करने के लिए विभिन्न बैंकों के सहायता से 4,37,000 इकाइयों को 10,853 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कराया गया है। इसी तरह से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नई इकाइयों को भी, नई MSME इकाइयों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी तक इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6,30,000